यस yes. कैलकुलस में आज से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन तो कैलकुलस में मैं जो आपको टॉपिक्स करवाऊंगा पूरे लाइन से करवाऊंगा जैसे पहले फंक्शन देन लिमिट देन कंटिन्यूटी देन डिफ्रेंशलिटी इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे और इन टॉपिक्स के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा मैं इस सेशन में आपके साथ कंसेप्शल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ में उसकी रिलेटेड थ्योरी और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी आपको बताता चलूंगा और इन सेशंस में जो है वो मैं आपके बेस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट डेवलप करूंगा क्योंकि अगर बेस क्वेश्चन से कंसेप्ट डेवलप हो गया तो आप टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हो फिर आप जो भी एग्जाम देना चाहो दो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर चाहे आप आई का एग्जाम दे रहे हो चाहे एमसीए का एग्जाम दे रहे हो चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो चाहे एक्स ग्रुप का दे रहे हो हर जगह काम आने वाली चीज है तो हम फंक्शन में पहले फंक्शन का एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया देता हूं फिर क्वेश्चंस करते चलते हैं थेरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ये जो क्लासेस हैं ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्प करेंगी और इसमें जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस करूंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ न्यू क्वेश्चंस और किस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए क्या लिखा है फंक्शन एफेक्ट इक्वल टू वन अपॉन रूड ऑफ एक्स रूड ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स आप समझिएगा यहां पर फंक्शन क्या क्या है एक स्क्वायर रूट फंक्शन है एक मॉड्यूलस फंक्शन है और एक रेसिप्रोकल फंक्शन है तीन चीजें अपॉन चीज है तो ये मॉड फंक्शन हो गया और ये अंडर रूट ये तीन फंक्शन के साथ क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन सिंपल है पर मैंने आपसे क्या बोला कि ये सेशन आप एक तो पूरे जितने में लेने वाला हूं बहुत ध्यान से देखिए एंड तक देखिए और इन सेशंस के बाद जब आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस करोगे तो आपको बनने लगेंगे सबसे पहले बात करता हूं कि फंक्शन होता क्या है थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं फिर क्वेश्चन पे आता हूं रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल वन इज इनडिपेंडेंट एनअर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन यानी दो वेरिएबल के रिलेशन को बेसिकली हम फंक्शन बोलते हैं एक्स इज कॉल्ड इनडिपेंडेंट वेरियबल जिसे हम इनपुट भी बोलते हैं और वाईज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरियबल जिसे हम आउटपुट भी बोलते हैं आगे चल के इसको हम डोबेन बोलते हैं और इसको हम रेंज बोलते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि डोमेन की डेफिनेशन क्या होती तो आप बोलते द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड एक्स की सारी वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम बोलते हैं डोमेन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड अब बात आती है कि फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता है तो जैसे जीरो बाय जीरो लिखा हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिखा हो वन बाय जीरो लिखा हो है ना वन पावर इन्फिनिटी लिखा हो अंडर रूट के अंदर निगेटिव लिखा हो लॉक के अंदर कुछ निगेटिव लिखा हो या ऐसी कोई भी चीज जिस जिसपे रिजल्ट ना मिल सके लॉक वो हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड तो जब इनपुट देने की बारी आती है तो एक्स की वो वैल्यू जिस पर कोई ध्यान <coughs> दीजिएगा एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम बेसिकली डोमेन बोलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट मिलता है उसे हम रेंज बोलते हैं यानी रेंज क्या हुआ सेट ऑफ ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान से सुनिएगा इसमें कई बार मैपिंग में कंफ्यूजन होता है वो भी नहीं होगा अभी आपका तो डोमेन का मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रेंज का मतलब हुआ डोमेन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल इतना नहीं व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड और रेंज का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेलिबल अब जब डोमेन और रेंज बताई जाती है तो डोमेन में बस याद रखना है कि जिन वैल्यू पर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते उसे हम डोमेन में छोड़ देते हैं बाकी डोमेन पूरा सेट होता है आपसे क्वेश्चन करूं आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारी चीजें लॉजिकली डिस्कस करना आना चाहिए समझ में आना चाहिए यह एक चीज अगर आपने डेवलप कर ली तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे मैं मान लो आपको लिखू वाईक्वल टू एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं x square. अब आपकी मर्जी x की जगह जो रखना चाहो आपने कहा x की जगह सर वन रखा तो y भी वन मिला माइनस वन रखा तो y भी वन मिला टू रखा तो y फोर मिला और माइनस टू रखा तो भी y फोर मिला एक चीज आपको समझ में आई क्या समझ में आई कि जब हम इस फंक्शन के डोमेन की बात कर रहे हैं तो जो मर्जी वो रख रहे हैं पर रिजल्ट एक तो पॉजिटिव है पर चेंज हो रहा है इसलिए इसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड यूज करते हैं यहां पर वर्ड वेरिएबल यूज किया है पर एक को हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट और एक को हम क्या बोल रहे हैं डिपेंडेंट तो अगर मैं बोलूं कि इसकी डोमेन क्या है तो आप एक सेकंड में ये बोल लेते हैं कि सर इसकी डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सर जो मर्जी वो रख दो एक्स की जगह यस और नो पर जब बात आएगी रेंज की जब बात आएगी कि रेंज क्या होगी तो आपने जैसे ही डोमेन लिखा और उसके बाद जैसे ही रेंज की बात आई तो आपने एक चीज नोटिस करी कि मैं इनपुट कुछ भी दूं इनपुट कुछ भी दूं बट आउटपुट कभी भी निगेटिव नहीं होगा बिकॉज स्क्वायर है इनपुट पर आउटपुट डिपेंड करता है तो स्क्वायर है तो नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलेगा इसका मतलब जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो आप बोलेंगे रेंज इज इनफाइनाइट यानी मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम हम नहीं बता सकते तो इसका मतलब ये हो गई रेंज अब कुछ चीजें बेसिकली समझना अभी क्वेश्चन पे आऊंगा मैं आपको बहुत अलग तरीके से इस बार डेवलप करवाऊंगा टॉपिक क्वेश्चन के थ्रू थेरी पढ़ेंगे और साथ में टॉपिक का बिल्ड करेंगे ओके okay, अब अगर मैं बात करूं कि रेंज का मतलब क्या होता है तो रेंज का लॉजिकली मतलब होता है मिनिमम वैल्यू से लेके जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम रेंज बोलते हैं और एक चीज याद रखिएगा फंक्शन जब पढ़ते हैं तो डोमेन और रेंज के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते जाते हैं मैपिंग से करते हैं ग्राफ से करते हैं लॉजिक से करते हैं जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्राफिकली समझें तो याद रखिएगा एक्स एक्सेस जो होता है वो इनपुट होता है जिसे हम डोमेन बोलते हैं और वाई एक्सेस जो होता है वो आउटपुट होता है जिसे हम रेंज बोलते हैं जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि आउटपुट में निगेटिव वाला पार्ट नहीं है इनपुट में तो है आउटपुट में नहीं है दूसरा ये पॉजिटिव भी है तीसरा आगे चल के अभी मैपिंग पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि इसके दो अलग अलग इनपुट पर ये माइनस वन पर भी वन है और प्लस वन पर भी वन है दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट है तो ऐसे आगे चल के मैनी वन बोलते हैं मैनी वन मैपिंग

स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे वो बताता हूं कि मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड डोमेन एन रेंज ऑफ एक्स स्क् रेंज अब आपके पढ़ने के तरीके में आप क्या चेंज लाओ अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं आप हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं सर कि फंक्शन पे कमांड नहीं आ रहा या पढ़ने में क्या चीजें बदलनी है तो एक चीज जब पढ़ो तो उससे रिलेटेड चीजें पूरे अच्छे से समझो कवर करो फिर आगे बढ़ो अब जैसे यहां दिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मैं आपसे बात करूं डोमेन की तो आप इमीजिएटली बोलेंगे सर डोमेन इज ऑल रियल नंबर बट जब रेंज की बात करूंगा तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि इसकी डोमेन अभी आपने पढ़ी जीरो टू इन वो सॉरी डोमेन इज रियल नंबर और इसकी आपने अभी रेंज पढ़ी इन वो जीरो टू इनफाइनाइट है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी रेंज की अभी बात करते हैं तो अब इसकी रेंज होगी ना जीरो पर जब ये जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिली फोर तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई बेटा फोर टू इनफाइनाइट क्यों क्योंकि जब आप इसमें जीरो इनपुट दोगे तो फोर मिलेगा और जीरो के अलावा कोई भी इनपुट दो फोर प्लस समथिंग यानी फोर से बड़ी वैल्यू मिलेगी यस और नो यानी रेंज ऐसे चलेगी मान लो क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस फोर अब क्या होता तो अब भी आप यही बोलते डोमेन इज डोमेन इज रियल नंबर और रेंज की जब बात आती तो अब आप फिर रेंज बोलते इसकी तो सर जीरो वैल्यू हो और जब ये जीरो होता ठीक तो माइनस फोर मिलता वन होता तो माइनस थ्री मिलता होता तो टू पॉइंट टू फाइव माइनस फोर यानी माइनस वन पॉइंट सेवन मिलता यानी इसकी रेंज हुई माइनस फोर टू इनफाइनेट यानी अगर एक स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन और रेंज पता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो सिंगल फंक्शन फिर कंपोजिट फंक्शन भी आते हैं या फंक्शन ऑफ फंक्शन भी आते हैं वो भी सीखना होता है मतलब यही क्वेश्चन किसी और लॉग के साथ भी हो सकता है कि लॉग एक्स स्क् हो सकता है लॉग अंडर रूट जैसे ये दिया ऐसे कुछ भी हो सकता है पर पहले आप सिंगल फंक्शन की बात करो फिर आगे के फंक्शन की हम बात करते या हैं यानी ये एक बेसिक लॉजिक है जो आपको समझना है ओके तो समझ में आया होगा आपको कि इसका डोमेन आपने और रेंज बताया अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता सपोज ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर अब क्या होता अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर अब मैं बोलूं इसकी डोमेन क्या होती तो आप बोलते डोमेन तो वही रहती बट जब रेंज की बात करते तो आप जो भी इनपुट देते इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता पर ये नेगेटिव उसको आ, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता तो रेंज हो जाती माइनस इनफिनिटी से जीरो आपको पता है ये पैराबोलिक कर्व है इसका ग्राफ भी डाउनवर्ड होता है यस और नो यानी ये इसका ग्राफ हो गया तो इस तरह से एक चीज आपको समझ में आई होगी कि डोमेन और रेंज हम अगर स्टैंडर्ड फंक्शन पता हो तो इजीली बता सकते हैं तो ये एक चीज है जो आपको लर्न करनी है यानी आपको ऐसे क्वेश्चन करने आना चाहिए अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि X की जगह ऐसा भी होता बेटा मान लो इस फॉर्म में तो इसकी डोमेन क्या होती तो आप बोलते सर इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर ओके और अगर रेंज की बात करें तो रेंज होती है जीरो टू इनफाइनाइट कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है मान लो तो आप इसकी डोमेन आप रियल बोलते और रेंज आप यहाँ ठीक थ्री रखते तो थ्री माइनस थ्री जीरो और थ्री के अलावा कुछ भी रखते तो पॉजिटिव तो ये एक तरीका हुआ यानी ये फंक्शन हो या ये फंक्शन हो दोनों की डोमेनो रेंज सेम है अब क्वेश्चन का तरीका बताता हूं हो सकता है आपको कुछ इस तरह का एक कोई क्वेश्चन आ जाए समझिएगा हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि वाईक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन क्या करेंगे सिंपल परफेक्ट स्क्वायरिंग वैसे इसको डिफरेंशिएशन से भी किया जाता है मैक्सिमम मिनिमा जो है वो डिफरेंशिएशन से भी निकालते हैं बट अभी हम फंक्शन के कंसेप्ट से सीखेंगे ओके तो अब ये लिखा हुआ एक्स स्क्वाइनस फोर एक्स प्लस सेवन तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस थ्री इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री अब एक बार बताओ ये हो गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री अगर इसमें ठीक टू डाल दोगे तो क्या होगा 2 2 0 तो 3 मिलेगा और 2 के अलावा कुछ भी डालोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी तो आप खुद ही बोलेंगे सर इसकी रेंज हुई ऑल सॉरी पहले डोमेन लिख दो आपने कहा सर इसकी डोमेन हुई रियल नंबर इसकी डोमेन हुई रियल नंबर और रेंज क्या हुई 3 टू इनफाइनेट यानी आपके हाथ में है क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझना एक चीज पढ़ो और उस पे बहुत अच्छे से वर्क करो फिर आगे बढ़ो जल्दीबाजी मत करो क्वेश्चन को समझो और जब तक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा आप टफ क्वेश्चन पे मूव कर गए तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला यह बात दिमाग में रखो अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्स एक्स प्लस लेवन मान लो थोड़ी देर के लिए क्या करना है ऑब्वियसली इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करनी है कैसे करोगे परफेक्ट स्क्वायरिंग का फॉर्मुला ही होता देखो मैं आपको एक चीज के साथ और भी चार चीजें समझाता हूं ये सेशन जो है ना केवल ऐसा नहीं ये टॉपिक पढ़ाएंगे बहुत कुछ अलग लर्न करोगे इन डिफरेंट अप्रोच वो आपको आगे चल के फायदा देगी अब जैसे ये ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस और बी स्क्र तो इसका मतलब अगर मैं टू ए के बाद देखूं तो बी होता है तो जैसे इसकी परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन की जगह करवा रहा हूं और मेंटली हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायरिंग का आगे जाके काम क्या होता है अब देखो आपने एक चीज सीखी तो मैं आपको आइडिया देता हूं आगे चल के ये क्वेश्चन इंटीग्रल में आया और आपने परफेक्ट स्क्वायरिंग करनी सीखी है तो आप इस इंटीग्रल को भी कर लेंगे अब आप बोलोगे सर इसको तो हम डिफरेंशियन करके कर सकते हैं मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हो बट आपको एक नई चीज भी मिलेगी एक नई अप्रोच भी डेवलप होगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक टॉपिक के साथ कई सारे टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करना अगर आपने सीख लिया तो आप समझ के चलो कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा इसमें कोई डाउट नहीं तो यहां पर देखो क्या करोगे टू एक्स नहीं है बना लिया तो ये फाइव बाई टू लिख दिया प्लस फाइव बाई टू अपनी तरफ से कैसे लिख दिया भाई टू से टू कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया क्लियर है तो फाइव एक्स ही है अब ये हमारे लिए बी का काम कर रहा है ये हमारे लिए बी का काम कर रहा है तो इसके स्क्वायर को जोड़ दो और इसके स्क्वायर को ही माइनस कर दीजिए तो ये क्या होगा बेटा तो ये होगा x प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर अच्छा इतना आपने ऐड किया इतना सेपरेट किया प्लस 11 पहले का था ये वाला अब क्या हुआ इसका एल्सियम लिया तो 44 -फोर हो गया तो ये हो गया प्लस नाइनटीन अब आपको देख के पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो और जब बेटा ये जीरो होगा जब ये ठीक जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा रेंज होगी 19 बाय फोर से इंफिनिटी डोमेन तो वही रही डोमेन तो वही रही पर रेंज ये हो गई अब आपको इसका फायदा आपने इसको डिफ्रेंशिएशन से कैसे करते हैं वो भी आइडिया देता हूं बट आपने जब ये चीज देख ली और समझ ली तो क्या हुआ एक्स स्क्स प्लस ट्वेंटी फोर्टी फोर बाय फोर तो ये हो गया अब देखो ये क्वेश्चन अगर इंटरगल में केवल आइडिया दे रहा हूं पढ़ेंगे हम फंक्शन ही पर अभी आपके पढ़ने के तरीके में क्या चेंज ला सकते हो ये आपके हाथ में अगर ये क्वेश्चन इंटरगल में आया था तो आप ऐसा करते फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं दिस या सुनो यानी आप यहां पर लिखते वन बाय रूट नाइनटीन बाय टू तो टू ऊपर चला जाता और टेन इनवर्स एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख दो चाहो तो टू एक्स प्लस फाइव अपॉन रूट इलेवन आ गया ये आ गया क्लियर और नॉट मैं आपको एक एक्सपोजर भी बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं था परफेक्ट करके करते इस क्वेश्चन को चाहते तो आप डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते थे कैसे कि अगर मैं बोलता इसको डिफरेंशिएट करो तो आप बोलते टू एक्स प्लस फाइव फॉर मैक्स मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव बिल बी जीरो अभी नहीं पढ़ा अभी मैं ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि आपने फंक्शन से ही आप पढ़ना चालू कर रहे हो होके तो भी एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि हम लोग जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो 11, 12 का लगभग सिलेबस कर लेते हैं और नहीं भी किया तो एक आइडिया जब मिलता तो आपके पढ़ने की आप आप तो 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 यानी हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं मैक्सिमम नहीं सिंगल रूट से या तो मिनिमम मिलता है मैक्सिमम दो रूट होते हैं मिनिमम मैक्सिमम मिल सकता है थ्री होंगे टू मैक्स टू मिनिमम मिल सकते हैं या पर ये लोकल भी हो सकते हैं तो अभी उस पे नहीं अब आपने एक तरह से बोला सर ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस ऑफ ये ट्वेंटी फाइव प्लस लेवन है यस और नो तो आप खुद ही बोलेंगे ये कितना बचेगा ये बचेगा फोर्टीन Yes no, आपने वैल्यू रख दी क्या करा एक्स की जगह रखा ट्वेंटी फाइव बाय फोर प्लस फाइव के साथ कितना रखा अच्छा एक मिनट ये आपने वैल्यू जब रखी होगी तो एक्स की वैल्यू आई है माइनस ऑफ फाइव बाय टू तो एक्स की जगह माइनस फाइव बाय टू रखा तो फाइव बाय टू ही रहेगा सॉरी वो तो ट्वेंटी फाइव बाय टू प्लस इलेवन सॉरी बेटा तो अब ये आ गया क्योंकि मैं इस अप्रोच से करवा नहीं था माइनस ट्वेंटी फाइव बाय टू प्लस इलेवन आप इसका एलसीएम ले लो तो आप बोलोगे फोर ये फाइव भी रहेगा ये माइनस फिफ्टी होगा ये प्लस फोर्टी फोर होगा यस और नो तो ये माइनस सिक्स बच गया यानी नाइनटीन बाय फोर ये इसकी क्या आ गई मिनिमम वैल्यू तो अब आप रेंज क्या लिख सकते हो? तो देखो ये लिखिए क्या लिख सकते हो रेंज नाइनटीन बाय फोर से इनफाइनाइट यानी आप भले ही इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से कर सकते थे पर परफेक्ट स्क्वायरिंग सीख लिया तो आगे का इंटीग्रल का भी एक कंसेप्ट आपने कहीं ना कहीं डेवलप कर लिया या आगे कहीं पे भी परफेक्ट स्क्वेरिंग की जरूरत पड़ती तो आप इस चीज सीखते हो तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा पढ़ाई में आप लोग मल्टी डायमेंशन पढ़े बहुत ही बेस बिल्ड करके पढ़े ट्रिक्स के पीछे ना भागे ट्रिक्स की जगह कंसेप्चुअल पढ़ाई करें वो ट्रिक्स डेवलप कर लोगे जो आपने कभी नहीं सोची है ये मैं बिल्कुल श्योर हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितनी ट्रिक्स मैं बताता हूं नॉर्मली इतनी ट्रिक्स आपको मिलेंगी नहीं बट ट्रिक्स बताने का मेरा तरीका बहुत अलग है बहुत ही लॉजिकल तरीके से कंसेप्शन तरीके से ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आ जाए तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा उसके आपको फायदे भी मिलेंगे दिखेंगे अलग से फायदे भी उसके आपको दिखने चालू होंगे ठीक है अब जैसे मैं मान लो बात करूं अब ये स्क्वायर के लिए हो गई तो इस तरह से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें जैसे मान लो मैं आपको कभी ऐसा दे देता अब क्या होता सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना अब क्या होता एक्स का टर्म निगेटिव हो गया अब आप जब जीरो रखते तो सिक्स मिलता सोचना वन रखते तो फाइव टू रखते तो टू का स्क्वायर फोर टू थ्री रखते तो सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री हम यानी निगेटिव वाली तरफ जा रहे हैं यानी इसका कंपेयर इससे करना होता अगर करते तो तो आप क्या करते आप इसकी डोमेन तो आप वही लिखते बट रेंज क्या लिख देते हैं माइनस इंफिनिटी टू सिक्स इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती यानी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ऐसा चेंज हो तो ये आएगा अब जब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया हुआ आपके अब इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया है देखिए क्या बोला है आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यदि वन अपॉन रूड है तो पहले मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यही मैं आपको बोलूंगा पढ़ते समय पहले अगर मान लो केवल रूड एक्स होता तो क्या होता ठीक है आप समझना कहानी फिर उस क्वेश्चन को करेंगे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग नॉर्मली डेवलप नहीं करते मैं कहूंगा आपको करना चाहिए मान लो रूड एक्स है अब आपको पता है रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता यानी रूट माइनस टू बोलोगे नॉट डिफाइंड रूट माइनस थ्री आप बोलोगे नॉट डिफाइंड रूट माइनस फोर आप बोलोगे नॉट डिफाइंड रूट माइनस फाइव आप बोलोगे नॉट डिफाइंड ये सब क्या है ये सब नॉट डिफाइंड चीजें हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर लिखा है y इक्वल टू रूट एक्स रूट के अंदर मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है तो इसका मतलब इस x की वैल्यू जब डोमेन की बात करेंगे तो इसकी जो डोमेन है रूट एक्स की वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यानी ये एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए तो आप बोलेंगे डोमेन इज टू इनफाइनाइट अच्छा स्क्वायर रूट में अब आपने इनपुट क्या दिया है इनपुट दिया है पॉजिटिव तो आउटपुट भी क्या मिलेगा पॉजिटिव यस और नो एक्चुअल में इसका कंसेप्ट ये है कई लोग जैसे अंडर रूट को फोर को प्लस माइनस टू लिख देते हैं पर यहां जब हम फंक्शन पढ़ रहे होते हैं तो प्लस माइनस टू नहीं लिखते उसका रीजन है उसका एक रीजन भी है कि हम प्लस माइनस नहीं लगते क्योंकि मैपिंग का जब कंसेप्ट सीखते हो आप तो अगर ये प्लस माइनस टू होता तो एक इनपुट दो आउटपुट से मैप नहीं होता तो अब आपके लिए स्क्वायर रूट का कभी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लीजिए कि हमें प्लस माइनस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है हमें प्लस माइनस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा इसको ग्राफ से समझें तो कुछ इस ढंग से ग्राफ बनता है ओके ये इस ढंग से ग्राफ बनता है अब बात आती है कि अगर रूड एक्स है तो इसमें मैंने एक यह ये चीज लिखी यह क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच का तरीका होता है तो अगर मान लो मैं आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू तो सिंपल वे होगा कि आप इस एक्स माइनस टू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा तो आप इसकी डोमेन बोलेंगे टू यस और नो यानी आपने एक चीज सीखी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा तो वो, आप वो भी वैसे ही करेंगे हम अब बात करता हूं मैं मान लो कि क्वेश्चन होता y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस टू देन देन अगेन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू आप डोमेन बोलते माइनस टू से इनफाइनाइट मैं बात करता इन दोनों क्वेश्चन की रेंज की तो रेंज दोनों की ही जीरो से इनफाइनाइट ही होती रेंज दोनों की जीरो से इनफाइनाइट ही होती कम क्वेश्चन करवाऊंगा पर इस छोटे से सेशन से भी आप बहुत सारी नई चीजें लर्न करेंगे डेफिनेटली रेंज में क्यों चेंज नहीं आया क्योंकि जब यहां टू रखते हैं तो जीरो मिलता है और जब यहां माइनस टू रखते हैं तो भी जीरो यानी वही पहला आउटपुट मिलता है जो इस फंक्शन को मिल रहा है इसके पहला इनपुट क्या है जीरो बिल्कुल सेम है तो इसकी रेंज क्या है जीरो टू इनफाइनाइट राइट यस तो ये बात आपको समझ में आई अब मैं आपको यहां पे कुछ अंडर रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट समझाता हूं समझिएगा कि मान लो अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा दिया है y इक्वल टू अंडर रूड एक्स और एक दिया है y इक्वल टू रूड माइनस एक्स तो जैसे इसकी अगर आपसे डोमेन बोले तो आप फट से बोलते हैं सर इनफाइनाइट मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और रेंज बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी सॉरी जीरो टू इंफिनिटी अब जब बात इसकी की जाती है कि y इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है तो क्या होगा मान लो आपसे बात इसकी की जाती है कि वाई इक्वल टू रूट माइनस एक्स लिखा है तो क्या होगा तो कई बच्चे एकदम से बोल देते हैं सर नॉट डिफाइंड थोड़ा सोचिएगा जब भी कभी मैं आपको मैं बोलता कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सेशन में मिलेंगी जो आपको कहीं पर आप फेल हो रहे होंगे मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी यस yes. अब लिखा हुआ रूट माइनस एक्स रूट माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि यहां पर निगेटिव लिखा हुआ है तो हम बिल्कुल सही बात है कि हम इसमें अगर फाइव रख देंगे तो डिफाइंड नहीं होगा पर जैसे इसमें, नहीं होगा, वैसी इसमें भी ऐसा नहीं कि नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम पर निगेटिव माइनस फाइव रख सकते हैं क्योंकि निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा जैसे यहां निगेटिव नहीं रख सकते सेम थिंग वैसे यहां पॉजिटिव नहीं रख सकते तो इसका मतलब हुआ कि इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर ऑल मत बोलो ऐसा बोलो माइनस इंफिनिटी टू जीरो यानी इसकी डोमेन पूरी निगेटिव में चली गई बट बात जब रेंज की आएगी रेंज हम हमेशा एडजस्ट डोमेन हम एडजस्ट कर सकते हैं रेंज नहीं अब रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि जो चीज मेरे लिए यहां फाइव है वो इसके लिए माइनस फाइव जो मेरे लिए जीरो है वो इसके लिए जीरो है। जो टू है इसके लिए टू है वो इसके लिए माइनस टू है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हो तो क्या होता सबसे पहले एक रूल बना लेना कि अंडर रूट से निकली चीज पॉजिटिव होती है मॉड होती है यानी ये एक तरह से मॉड ऑफ एक्स है अब इसमें चाहे आप निगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो है ना आपको इनपुट तो हमेशा जो भी दोगे इनपुट का जब स्क्वायर होगा एक्चुअल में दो फंक्शन आ गए स्क्वायर फंक्शन के साथ स्क्वायर रूट फंक्शन जब आप पढ़ते हो ना एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ इस तरह का फंक्शन यहां पर आ गया तो अब क्या होगा भाई सिंपल सा लॉजिक है कि यहां स्क्वायर आ गया तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट फंक्शन है यानी यहां पर स्क्वायर फंक्शन के साथ साथ रूट फंक्शन लिखा जो पहले इनपुट दोगे वो स्क्वायर पे जाएगा फिर वो रूट में ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रखता है अंडर रूट केवल पॉजिटिव इनपुट लेता है इसका मतलब इसकी डोमेन में इमीडिएटली बोल सकता हूं ऑल रियल नंबर यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी बट जब रेंज की बात आएगी तो रेंज इसी की यही रहेगी क्यों क्योंकि हम चाहे नेगेटिव इनपुट दे ने, चाहे पॉजिटिव अल्टीमेटली ये पॉजिटिव इनपुट लेगा और वही लेगा जो ये ले रहा है तो रेंज वही रही ये लॉजिक हुआ अगर मैं इसके ग्राफ को देखूं तो ये इसका ग्राफ हुआ इसके ग्राफ को देखूं तो ये इसका ग्राफ हुआ इनपुट दोनों इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है आउटपुट दोनों के पॉजिटिव है पर अगर इसका ग्राफ देखूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन के निकल के आएगा यानी आप अगर कांसेप्ट के साथ बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कांसेप्ट बिल्डिंग के बिना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम अच्छे या टफ क्वेश्चंस नहीं कर पाते और उसकी शुरुआत हमेशा याद रखिए बेसिक से ही होगी जब तक कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक कि बेसिक मजबूत नहीं होगा आपसे ये नहीं बनेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है अब जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चन ऐसा दिया था अब जैसे ये इसमें देखो एक और कंसेप्ट लगा है अब अंडर रूट वाले दो तीन क्वेश्चन बताता हूं फिर उस पर आता हूं मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड द डोमेन ऑफ क्या करोगे सिंपल अंडर रूट में जो भी है उसे ग्रेटर देन माइनस टू प्लस टू अब ये आ गई इनिक्वेशन अब मान लो आपको इनिक्वेशन नहीं आती फंक्शन कई बार इसलिए नहीं बनता फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कम से कम इसको पढ़ाने में क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं कम से कम पंद्रह क्लासेस लग जाती है थर्टी थर्टी फाइव जितना पढ़ो उतना कम है इतना अच्छा टॉपिक है पर अभी आप समझो काफी चीजें आपने पढ़ी होंगी एक रिकव रिविजन हो रहा है आपका तो आप काफी चीजें रिवाइड कर लोगे अब देखो ये इन इक्वेशन है इन इक्वेशन में दो रूट्स हैं यानी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए या दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आए तो भी पॉजिटिव मिल जाएगा क्या करते हैं आपको याद होगा इसको रियल लाइन से सॉल्व करते हैं माइनस टू प्लस टू पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव वाला लीजिए तो इसका मतलब इसकी डोमेन आप बोलेंगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन ऑफ टू टू इनफिनिटी रेंज नो चेंज कितना जीरो टू इन्फाइनिट पर यही क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या होता यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो क्या होता रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है अब ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था इसके ऑप्शन अभी रफ कर देते हैं अगर यह लिखा है मेरा हमेशा यह मानना है कि आपकी पढ़ाई ऐसी होना चाहिए आप हमेशा पूछते हो कौन सी बुक से पढ़े सर किस बुक को फॉलो करें मैं बोलता हूं आप पढ़ो ऐसे कोई भी एक बुक ले लो पर पढ़ो ऐसे और जो मेन क्वेश्चन है वहां तक पहुंचने के पहले पूरा इतना स्ट्रांग बेस बनाओ कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यानी पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे यस yes. तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप ऑब्वियसली क्या कहोगे फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इन में मैंने बताया हुआ आपको कि निगेटिव नहीं होना चाहिए एक्स तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो क्या होगा x माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू नो x माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो रियल लाइन पे अरेंज करेंगे माइनस टू प्लस टू पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव अब आपको निगेटिव चाहिए तो इसकी डोमेन बहुत छोटी सी हुई क्या माइनस टू से प्लस टू तो, केवल यानी इसकी डोमेन में वो चीज छोड़ी थी जिस पर डिफाइंड नहीं था और वो छोटा सा इंटरवल था इसलिए रेंज में फर्क नहीं पड़ा पर इसकी डोमेन में आपने इसकी डोमेन में आपने केवल डोमेन ही बहुत छोटा सा है तो रेंज पे कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही अब यहां पर लगता है कंसेप्ट तो आप लॉजिक से भी बता सकते हो मान लो आप इसमें ठीक टू रख देते तो क्या आता फोर माइनस फोर जीरो आ गया माइनस टू रखते तो भी जीरो आता और जीरो रख देते तो टू आता यानी इसकी रेंज क्या होती बेटा इसकी रेंज होती जीरो टू टू यानी रेंज में वहां फर्क पड़ सकता है जब डोमेन में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा हो तो।, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है पढ़ते समय ध्यान देनी है और यही कॉम्पिटेटिव लेवल पे हमारी मिस्टेक हो जाती है लेवेंथ ट्वेल्थ में नहीं होती इलेवन ट्वेल्थ में तो ये कुछ टॉपिक ही बहुत कम नंबर का है इसलिए इस पर वर्क नहीं किया जाता पर ओवरऑल मैथ्स का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो फंक्शन है फंक्शन मतलब पूरा मैथ्स का फिफ्टी परसेंट फंक्शन के कंसेप्ट क्लियर है मतलब आपको मैथ्स में बहुत कुछ आता है ये बात आप दिमाग में रखो तो ये क्वेश्चन करने का आपका तरीका हो सकता है तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए स्क्वायर रूट का तो आपके दिमाग में एक ही चीज बैठ जाना चाहिए थी और वो ये बैठना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो जैसे ये लिखा है बस आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दें तो इसके फैक्टर बनाओ एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टू थ्री पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आपको पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन ऑफ थ्री टू इन्फिनिटी लाइक दिस इज दैट क्लियर चलिए नोट कर लीजिए अब बात आती है कि रेंज में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डोमेन का एक बहुत छोटा सा पार्ट गया है बाकी सब टू रखने पे भी जीरो मिल रहा है थ्री रखने पे भी जीरो मिल रहा है अब मान लो फिर आता है क्वेश्चन कि अगर वन अपॉन एक्स हो तो क्या होता है मैं आपको आपको लग रहा है मैं आपको आगे बढ़ाता जा रहा हूं आप ध्यान दो तो क्वेश्चन एक ही था पर मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया अभी जैसे मैंने आपको स्क्वायर फंक्शन बताया स्क्वायर रूट फंक्शन बताया मॉड फंक्शन बताया हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप अब जैसे मान लो कभी ऐसा हो रेसिप्रोकल टाइप फंक्शन क्योंकि ये वैसे ही तो इसमें क्या होगा जब भी इसकी डोमेन बोले तो आप बोलोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो बाय जीरो क्योंकि वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड हो जाता बात करी जाए रेंज की कि रेंज क्या होगी तो अगर मैं बोलूं रेंज क्या होगी तो आप देख रहे हो ये 1 अपॉन है अब क्या कांसेप्ट आपको डेवलप करना है कि a अपॉन b 1 कब होता है इफ a इक्वल टू b a अपॉन b लेस देन 1 कब होता है a लेस देन b a अपॉन b ग्रेटर देन 1 कब होता है a ग्रेटर देन b a अपॉन b 0 कब होता है a इक्वल टू 0 a अपॉन b इंफिनिटी कब होता है ये कांसेप्ट रेंज के लिए नहीं मैथ्स में हर जगह काम आने वाला है आप ध्यान दें ऊपर 1 अपॉन समथिंग तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा ये कभी भी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब इसकी रेंज हुई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो राइट ऐसा आप सोच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट रेसिप्रोकल फंक्शन की रेंज निकालने का एक तरीका और होता है और भी कुछ फंक्शन के लिए होता है कि आप इसको इस फॉर्म में बना लो x इक्वल टू वन अपॉन वाई जो इस फंक्शन की डोमेन है सुनेगा जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इस फंक्शन की रेंज होती है मतलब इसकी इसकी आप इसकी आप आप डोमेन 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 निकालो क्या हुई बेटा बोलेंगे टू पहले तो एक बात याद रखना जो भी मैं रूल बताऊं उसको जनरलाइज मत करना मतलब आपने एक निकाल लिया अब इसकी रेंज निकालने का तरीका यह होता है कि इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज होती है बट उसमें भी कंडीशंस लगती हैं बहुत सारी ऐसे चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि डोमेन क्या होगी तो आप बोलते हैं नंबर एक्सेप्ट जीरो बस वही इसकी रेंज बन गई समझना मैं क्या कह रहा हूं फिर समझना मान लो क्वेश्चन ऐसा होता मैं बोलता इसकी डोमेन क्या है आप फट से बोलते सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू टू को छोड़ के कुछ भी बट मैं बोलू इसकी रेंज क्या है इसकी रेंज क्या है अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आप इस लॉजिक से तो बता पाते जो दिख रहा है ऑब्वियसली इस लॉजिक से बता सकते थे बट साथ में मैं आपको बताऊं इस लॉजिक के साथ साथ इस लॉजिक के साथ साथ एक लॉजिक ये भी था जैसे ऊपर वन है तो जीरो नहीं होगा तो आप बोलते रेंज ऑल रे नंबर एक्सेप्ट जीरो कि हम इसे एक्स के टर्म में बना ले मतलब ऐसा लिखें, तो x इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन वाई अब इस फंक्शन की जो डोमेन है ये मान लो इसे इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं आगे चल के इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी तो इसकी डोमेन क्या है बाय जीरो नहीं होना चाहिए तो आप बोलते हैं ऑल ऑल नंबर नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट वो यहां दिया जीरो नोट करिए अब आप यहां पर ऐसा सोच सकते हो कि जब भी रेसिपोकल फंक्शन आएगा उसकी रेंज में हमेशा जीरो एक्सेप्ट होगा नहीं ऐसा भी नहीं है मान लो क्वेश्चन ऐसा होता समझना एक्स अपॉन मान लो क्वेश्चन ऐसा होता एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अब क्या होता अब आप इसकी डोमेन बोलते नंबर एक्सेप्ट माइनस वन पर रेंज क्या बोलते अब देखो इसमें ऐसा नहीं है जीरो नहीं मिल सकता अगर मैं ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं अगर मैं एक्स के प्लेस पर जीरो पुट कर दूं तो देखो क्या होगा जीरो अपॉन जीरो प्लस वन तो जीरो मिल सकता ना आउटपुट में आउटपुट को रेंज बोलते बट एक चीज समझिए ऊपर और नीचे हमेशा वन का डिफरेंस रहेगा यानी ए अपॉन बी ये वाली कंडीशन कभी नहीं मिलेगी मिलेगी क्या आप कुछ भी रखो कुछ भी रख लो आपने रखा सिक्स तो सिक्स बाय सेवन टेन तो टेन बाय अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व बाय थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन बाय सिक्सटीन 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 बाय सेवनटीन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वन नहीं मिलेगा यानी इसकी डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा सर माइनस वन भी नहीं मिलेगा मैं बोलूंगा क्यों अगर मैं एक्स की जगह माइनस पॉइंट फाइव रख दूं तो देखो क्या आएगा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए वो मैं बता रहा हूं उसी से ये कंसेप्ट बनता है देखो माइनस वन मिल गया आप जो नंबर बोलोगे वो आ सकता है टू मिलेगा थ्री मिलेगा टेन मिलेगा हंड्रेड मिलेगा टेन पॉइंट टू 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 सब मिलेगा बट वन नहीं मिलेगा वन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप बोलेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट वन अब ये तो आपने लॉजिक से बताया इसी चीज को आप चाहें तो क्या कर सकते थे कि इसको एक्स के फॉर्म में बनाते और उससे भी निकाला जा सकता था यानी आप ऐसा भी कर सकते थे इसी को ऐसा भी कर सकते थे एक्स प्लस वन अपॉन, अपॉन एक्स इक्वल टू ऐसा लिख सकते थे वन अपॉन मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चाहो तो ऐसा लिख लो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स एक्स कॉमन लिया y माइनस वन इक्वल टू माइनस वाई या x इक्वल टू वाई अपॉन अब इस फंक्शन की जो डोमेन है इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी मैं बोलू इसकी डोमेन क्या है तो आप बोलते ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन आप इसकी डोमेन क्या बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन डन इसकी ये जो डोमेन है वो इसकी वो इसकी रेंज हो गई जो ओरिजिनल क्वेश्चन थी तो देखो यही लिखा है यानी ये तरीके हैं आपको अलग अलग समझने के कि कब क्या कर सकते हैं वो एक चीज है अब जैसे मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हो मान लो कभी ऐसा दिया होल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स मैं बोलू इसकी डोमेन क्या है आप एकदम से बोल सकते हो सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू टू क्यों नहीं क्योंकि टू रखने पर टू माइनस टू जीरो की फॉर्म होती इनडिटर्मिनेट अब एक बच्चा बोलेगा सर इसे हम सोल्व कर ले माइनस कॉमन लेके मैं कहूंगा कर लो टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स दिस इज माइनस वन बट बट डोमेन बताते समय फंक्शन को सॉल्व नहीं किया जाता यानी अगर मैंने ऐसा किया है तो ये मैंने सही नहीं किया इसका मतलब ये माइनस वन डोमेन के समय नहीं रेंज के समय करते हैं तो ये डोमेन तो सही लिखी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू अब रेंज बताते समय अब कोई बच्चा रेंज बताते समय अगर इसको x की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा ये उधर गया टू बाय प्लस वाई थ्री बाय इक्वल टू ऐसा बोल सकते हो देखो y का मल्टीप्लाई किया टू बाय माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू लिखना था सॉरी सॉरी तो यहां पर बोलो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई या ऐसा भी बोल सकते हैं x इक्वल टू टू 1 वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस इक्वल टू क्या आ गया x इक्वल टू ये कैंसिल भी हो जाएगा तो पहली चीज तो ये कि जो फंक्शन जो फंक्शन मेरी बात ध्यान से सुनना कैंसिल हो जाते हैं आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला टू बाय माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स को एक्स वाई को उधर ले गए और टू को इधर लाए ये मिल गया अब एक चीज याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है जो फंक्शन सॉल्व हो जाते हैं या हो सकते हैं उन्हें सॉल्व ही करना होता है और उससे ही उसके बाद और उसके बाद लॉजिक से ही रेंज बताते हैं यानी यहां पर अगर कोई बच्चा कुछ और रेंज बोल दे तो गड़बड़ हो जाएगा इसकी रेंज होगी ओनली माइनस वन आप दुनिया की जो वैल्यू रखना चाहो एक्स की जगह रख दो दुनिया की जो वैल्यू रखना चाहो एक्स की जगह रख दो बट बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो वैल्यू रखना चाहो रख दो बट क्या नहीं होगा कोई भी रिजल्ट आप रख, कोई भी इनपुट रखोगे आपको रिजल्ट हमेशा माइनस वन मिलेगा आपने रखा फाइव तो भी माइनस वन टेन तो भी माइनस वन माइनस फाइव तो भी माइनस वन यानी किसी भी इनपुट पर माइनस वन ही मिलेगा तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है अब जैसे मान लो कि रेसिप्रोकल फंक्शन में जैसे अब इस क्वेश्चन तक जा रहा हूं मैं और ये मेरा पढ़ाने का तरीका है और मैं कहूंगा यही आपके पढ़ने के तरीके में आना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का जो बेस है वो पहले ये खुद से चेक हो जाएगा कि वो क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना सीखना है कंसेप्ट बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे कोई आपको बोलेगा इस क्वेश्चन की ये ट्रिक्स लगा दो इसकी ये ट्रिक्स लगा दो एग्जाम में आप कैसे याद रखोगे इसलिए ट्रिक्स के साथ दिक्कत होती है एग्जाम में जाके हम वही करते हैं जो एक्चुअल होते हैं तो इसलिए आपकी पढ़ाई के तरीके बदलना है मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता अब क्या होता मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या होता वाई इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स तो अब आपको अभी मैंने बोला ये जीरो नहीं अभी तक आप रूट एक्स की डोमेन जब लिखते थे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते थे बट यहां नीचे आ गया अब आप केवल ग्रेटर देन जीरो लेंगे क्यों क्योंकि जीरो रखने पे वन बाय ये यहां रख सकते हो अंडर रूट जीरो बट वन अपॉन जीरो समझना यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी डोमेन आपने बोली रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो बट जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आपने इसकी डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो नहीं बोली बल्कि आपने बोली ग्रेटर देन जीरो क्योंकि यहां पर निगेटिव भी नहीं रख सकते थे यहां माइनस फाइव रख सकते थे समझना यहां पर माइनस फाइव नहीं रख सकते थे यानी जब वन अपॉन में रूट आ जाए तो हम ग्रेटर देन जीरो से कंपेयर करते हैं और जब बिना वन अपॉन के हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू से कंपेयर करते हैं इज दैट क्लियर तो अब यहां पर इसकी जो डोमेन होगी वो होगी जीरो टू इनफाइनाइट मान लो क्वेश्चन ऐसा होता मान लो क्वेश्चन ऐसा होता अब क्या होता तो अब आप, आप बोलते हैं एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल सॉरी इक्वल टू नहीं लगाना ये भूल जाते हम कई बार तो थ्री टू यानी फाइनेट यानी वन नीचे अंडर रूड है तो ये चेंज हो जाता है अब जरा इस क्वेश्चन को समझो कि इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है अब मान लो ये क्वेश्चन बिना अंडर रूट के सोचे हम तो क्या होता इस क्वेश्चन को अगर मैं बिना अंडर रूट के सोचूं तो क्या होता अंडर रूट मोड एक्स माइनस एक्स अब क्या होता ये पूरा की पूरा आप पहले बिना उसके सोचते हैं हम अगर मान लो इसमें एफेक्ट होता ये मान लो इसमें फाइव रख दे तो क्या होता यानी कोई भी इंटीजर तो रख ही नहीं सकते फाइव नहीं रख सकते अच्छा माइनस फाइव रख देते तो क्या होता वो भी देख लेते हैं ये डिफाइंड हो जाता और yes नो no? क्योंकि इसमें जब भी निगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बट पॉजिटिव नंबर रखोगे तो नहीं होगा यानी अगर मैं आपसे केवल इसकी डोमेन पूछता तो इसकी डोमेन आप बोलते माइनस इंफिनिटी टू जीरो जीरो छोड़ना ये ओपन इंटरवल है आप माइनस टू पॉइंट फाइव रखो माइनस थ्री रखो माइनस फोर रखो ठीक है प्लस में जहां गए तो प्लस में जैसे ही गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस में मॉड एक्स की डेफिनेशन यूज होगी एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स यानी प्लस पे जाने पर अगर मैं लॉजिकली समझूं तो अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लूं अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लूं तो ये केवल एक्स ओपन होगा और ये भी एक्स तो ये नॉट डिफाइंड हमेशा बना रहेगा हां एक्स लेस देन जीरो ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस एक्स ये जुड़ जाएंगे आपस में यस और नो तो इसका मतलब ये निगेटिव पे डिफाइंड है और इस निगेटिव पे इसका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है यह भी खास बात है यह आप कंफ्यूज मत होना यह दिख जरूर रहा निगेटिव पर एक्चुअल में ये क्या आ गया माइनस वन अपॉइंट क्या रख रहे हो निगेटिव 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 क्या पॉजिटिव तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अंडर रूट भी लगा हो तो दिक्कत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अंडर रूट तो पॉजिटिव लेता तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जब डोमेन की बात की जाएगी तो आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू जीरो जीरो ओपन में होगा आप चाहें तो वैल्यू रख के भी वेरीफाई कर सकते हो राइट right? यानी आप वैल्यू रख के भी इसको वेरीफाई कर सकते हो मेरा मेरा यही तरीका है पढ़ाने का कि मैं एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड वो बेसिक कवर करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए आपके पढ़ने में जो सबसे बड़ा चेंज आना चाहिए पढ़ो कहीं पे भी वो ये कि आपका बेस बिल्ड करते हुए चले यानी इस समय ये हुआ अब यहीं पे अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता तो क्या होता अब बताओ और यहीं पर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता अभी एग्जाम का क्वेश्चन है यहीं पर अगर ये ऐसा होता तो क्या होता अब एक चीज आपको समझ में आ गई अब यहां पर अगर मैं फाइव रखता तो क्या होता फाइव माइनस फाइव जीरो पर मैं निगेटिव भी रखता तो क्या होता यह बताओ अब मैं रखता माइनस फाइव पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट फाइव ही रहा और ये माइनस फाइव पॉइंट फाइव ये डिफाइंड हो गया पर रिजल्ट क्या मिला निगेटिव तो इस केस में मैं पॉजिटिव तो नहीं रख सकता अभी भी अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं रख सकता फाइव माइनस फाइव जीरो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स जीरो बट निगेटिव रख सकता हूं इसमें तो इसकी डोमेन हुई ऑल रियल नंबर या ऐसा लिख देते हैं माइनस इंफिनिटी टू जीरो पर ये अंडर रूट आ गया तो क्या हुआ अब बेटा इसमें आपने जो भी इनपुट देने हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव होना है तो इसकी डोमेन की बात की जाए तो आप बोलोगे एम टी सेट क्या बोलोगे आप एम टी सेट ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है जब आप ये समझते हैं तो आपकी कंफ्यूजन कंसेप्ट सब क्लियर होते जाते हैं इसलिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप मैथ्स मैथ्स स्पेशली ऐसे पढ़ो कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना जाए आज यहां पर जो इंप्यूटस में ऑनलाइन बच्चे हैं क्लासरूम स्टूडेंट हैं जब वो पढ़ते हैं या मैं पढ़ाता हूं तो मेरा कंसेप्ट यही है कि हमें ट्रिक्स पे वर्क नहीं करना हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखना हमें ऐसे कंसेप्ट बिल्ड करने हैं कि हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो हमसे ट्रिक्स भी लगे हम लॉजिक से भी आंसर दे पाए यानी ये एक क्वेश्चन कहने को था पर मैंने आपके इसके साथ पच्चीस पचास क्वेश्चन डिस्कस किए कई और चीजें बताई और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो बताया तो ये एक कंसेप्ट डेवलप करोगे तो उसका आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा चलिए नोट कर लीजिए